चमन अमन व अमान की मखदोश सूरत हाल पर इंतजामिया खुद महफूज नहीं है। तहसील कचहरी में बम धमाके के खिलाफ मजलूम औलसी तहरीक का मुजम्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान अत्तार की इस रिपोर्ट में। चमन तहसील कचहरी में गुज़श्ता शब जोरदार बम धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मजलूम औलसी तहरीक के चेयरमैन अजय अब्दुलरज़ाक अचकज़े की गाड़ी को निशाना बनाया और प्रेस क्लब चमन के साबिक सदर अज़हर अचकज़े की गाड़ी समेत दीगर गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुँचा, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके के खिलाफ मजलूम औलसी तहरीक की जानब से मजम्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वाकये की पूरी इंक्वायरी का मुतालबा किया। आपके असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस महफूज नहीं, आपकी तहसीलदार की आपस महफूज नहीं, क्रिश्चियन कॉलोनी महफूज नहीं, शहर के तमाम मारूफ मार्केटें महफूज नहीं। 15 जनवरी सुबह 10 बजे कल जो होने वाला जेली बम धमाके के खिलाफ, पाक अफगान बॉर्डर की आए रोज बंदिश के खिलाफ, हमारे मकामी तजारत की बंदिश के खिलाफ इत्तेजाजी मज़ाहिरा होगा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया आवाम को तहफ़ुज़ देने के बजाय खुद महफूज नहीं है और आए रोज़ बम धमाकों के खिलाफ जुमे के रोज़ इत्तेजाजी मुजाहरा करने का भी ऐलान किया। पुलिस ज़रिए के मुताबिक धमाका दस्ती बम फेंकने से किया है और वाकये में मुलव्वस अहलकारों को जल्द आवाम के सामने लाए जाएंगे। इमरान अत्तार, प्राइम स्टार न्यूज़, चमन।